त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के रोहित कुमार मेहरोलिया हमारे साथ इस वक्त। रोहित कुमार जी स्वागत है आपका ई कॉन्क्लेव में न्यूज़ वन इंडिया के। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, क्योंकि आप एक युवा विधायक हैं और कहते हैं वैसे भी जिस सरकार के साथ में युवा शक्ति होती है वो युवा शक्ति सरकार में सरकारी कामों में बहुत मददगार साबित होती है और एक नई आइडियोलॉजी होती है, एक ये कह लीजिए कि बहुत एनर्जेटिक वे में काम किया जा सकता है। अभी दिल्ली सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपके अपने ही अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं वहां पर भी तेजी से आंकड़ों में इजाफा हुआ है, तो अभी इस कोरोना के संकट काल में सबसे पहले तो आपने सीखा क्या, अपना तजुर्बे जरा लोगों के साथ साझा कीजिएगा। देखिए सीखा क्या कि आज समय पूरा देश एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कोविड-19 के खिलाफ में, ये बहुत संकट के दौर से पूरा देश गुजर रहा है। तमाम सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं लोगों को राहत पहुंचाने का, लोगों को मदद पहुंचाने का, तो हमारी दिल्ली सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर काम कर रही है और सीखना सिखा है, क्योंकि नई परिस्थिति है, नई बीमारी है, नई चीजें जो हमने देखी है। मेरी भी लगभग 44 साल उम्र हो गई है, इस तरह की बीमारी भी हमने कभी, इस तरह की महामारी को हमने कभी फेस नहीं किया था। तो नई चीजों से हर आदमी सीखता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और लोगों की परिस्थितियों के अनुसार और लोगों की जरूरतों के हिसाब से हम लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी सरकार बहुत तत्परता के साथ में काम कर रही है लोगों को सहूलियत पहुंचाने का। आज जहां तक लोगों के सवाल है, आज देख पा रहे हैं हम तमाम न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं कि कितने प्रवासी मजदूर, कितनी दुर्दशा उनकी हो रही है, वो हजारों हजारों किलोमीटर तक पैदल चलकर यात्रा करके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, गर्भवती महिलाओं के साथ में, और सब उनका सड़क पर हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही हम सभी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है और बड़ी चुनौती है। और आज दिल्ली के अंदर देखिए कि जैसे मेरी विधानसभा लोकप्रिय विधानसभा यूपी बॉर्डर के ऊपर लगती है, तो यहाँ पर जैसे गाजीपुर बॉर्डर यहाँ पर नजदीक है और यहाँ पर नोएडा बॉर्डर भी मेरी विधानसभा के नजदीक है, तो काफी सारे प्रवासी मजदूर जो कल पुलिस प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर हमारे जो लेकर आया गया था, मेरे तमाम जो स्कूल हैं दिल्ली सरकार के स्कूल है उनमें ठहराया गया है उनको, और यहाँ पर उनकी हम व्यापक व्यवस्था हमने की है। मैं खुद मौके पर पहुंचा हूँ, एक ही दिन में मैं एक एक स्कूल में कई कई बार मैंने जाकर वहां पर उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। तमाम जितने हमारे वहां पर जो सरकारी तंत्र है सभी लोग मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं। आज सुबह भी बहुत सारे लोगों को कल भी भेजा गया है उनके गंतव्य स्थानों तक। रोहित जी ये तो आप लोग शुरू से ही कर रहे हैं कि क्वारंटीन में रखना लोगों को, उनके खाने पीने का इंतजाम कराना, लेकिन आपकी सरकार पर फिलहाल में ये आरोप लग रहे हैं कि कोरोना बम के विस्तार में दिल्ली सरकार बहुत अहम भूमिका निभा रही है, सबसे ज्यादा तेजी के साथ में बाजारें खुलने का सिलसिला दिल्ली में शुरू हुआ, ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, इन आरोपों का क्या जवाब है आप लोगों के पास? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि आप पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो आंकड़े हैं उनकी तरफ देखेंगे कि आज सबसे ज्यादा टेस्ट पूरे देश के अंदर अगर किसी राज्य में हो रहे हैं तो वो दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। अगर 10 लाख की आबादी के अनुपात का अगर हम देखें तो जहां पूरे देश के अंदर 500 या 600 टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 के, तो वहीं दिल्ली के अंदर लगभग 2300-2400-2500 टेस्ट 10 लाख की आबादी पे हो रहे हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा टेस्ट होंगे तो केसेस भी ज्यादा आएंगे। अगर ज्यादा क्या इसको इस लिहाज से देखा जाए कि केजरीवाल सरकार बहुत ही प्रैक्टिकली इस पूरे मामले को डील कर रही है? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में तेजी से आंकड़ों में इजाफा हुआ, महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद में दिल्ली का नंबर आता है। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा राज्य ना होने के बावजूद भी इतनी तेजी के साथ में आंकड़ों में इजाफा हुआ, शुरुआत में हुआ कि तबलीगी जमात के कारण बहुत तेजी से आंकड़ों में इजाफा हुआ, फिर यहाँ से लोगों ने बहुत ज्यादा पलायन भी किया, उसके बावजूद भी यहाँ से लोग निकले तब भी यहाँ पर आंकड़ों में इजाफा हुआ, तो लोग समझना चाह रहे हैं कि ऐसी कहां पर कोई कमी छूट गई कि दिल्ली में इतनी तेजी के साथ में कोरोना का विस्तार हुआ। देखिए सबसे पहले तो हमारे को दिल्ली की भौगोलिक जो स्थिति है उसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर आप देखें कि जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत सारी त्रिलोकपुरी जैसी जहां से मैं लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ त्रिलोकपुरी विधानसभा से, वहां पर आप देखिए कि लोग सेटलमेंट कॉलोनी में रहते हैं, 25 का मकान है, कुछ छोटी छोटी हमारे यहाँ पर स्लम है, यहाँ पर छोटी झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर छोटी छोटी जगह में लोग रहते हैं, तो कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ा चैलेंजिंग है। तो आप देखिए कि आप फिर भी इतनी सुविधाएं, इतने हॉस्पिटल्स में जो इतने हमने प्रयास किया है, हमारे पूरे यहाँ पे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी सरकार हमारी काम कर रही है, तमाम विधायक हमारे दिन रात दौड़े, हमारे अपने पॉलिटिक्स दिन रात पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात दौड़ दौड़ कर हम लोगों की सेवा में काम कर रहे हैं,
कि कम से कम लोग इससे संक्रमित हों। उसके साथ साथ जो लोग पलायन करके जा रहे हैं, तो आप देखिए कितने सारे लोगों को पिछले 3-4 दिन के अंदर हमने लगभग 35,000 से ज्यादा लोगों को हमने उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है बड़े सुरक्षित, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क वहां पे उनको रेल द्वारा पहुंचाया। आज स्कूलों में आप कैमरा लेकर आइए, आप अपने कैमरा टीम के साथ आइए, आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आप हमारे स्कूलों में देखिए कितना अच्छी व्यवस्था की गई है लोगों को खाने की, लोगों को रहने की, बड़े बाइज्जत लोगों के साथ। इन्हीं इंतजामों के नाम पर वोट मांगे और जनता ने आपको चुना भी, उस बात को मान रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली ने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए लोगों ने जिस उम्मीद के और आकांक्षाओं के साथ में हमें चुना है, तो आज ऐसे संकट के घड़ी के अंदर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकताओं में सबसे तो क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, और आप भी जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जब भी आप सरकार की बात करते हैं तो खुद लोगों के भी अपने कई सारे सवाल होते हैं। तो कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि चुनाव से पहले दलित सरकार ये बार बार कह रही थी कि हमारे पास बहुत पैसा है साहब, और ये पैसा हमने जनता से ही इकट्ठा किया और हम जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में सरकार की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सरकार को ये कहना पड़ा साहब कि अब तो थोड़ा थोड़ा बाजार हमें खोलना पड़ेगा, वरना अब राज्य को चलाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। तो लोग ये पूछ रहे थे कि पहले इतना पैसा। देखिए इसमें जवाब बड़ा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद जी ने पूरी जनता के साथ में सुझाव मांगे थे, उसमें लाखों सुझाव सरकार के पास में पहुंचे, जिसमें ज्यादातर जो जितने मार्केट एसोसिएशन है उनके सुझाव भी आए थे कि लोगों को रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है, लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आज सीएम साहब ने, अरविंद जी ने और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, पहले वो ऐसे लेना है कि जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बोला है कि आज हमारे को ये कोरोना एकदम से जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा। तो आज चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी ये भी है कि एक तो हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए, लोगों को संक्रमित होने से बचा पाए, उसके साथ साथ लोगों की रोजी रोटी को भी हम बचा पाए। हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत प्रैक्टिकली चीजें हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर बाजार खोले जा रहे हैं, अगर ऑडिबल का पालन करते हुए मार्केट में दुकानों को खोला जा रहा है, तो इसमें मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। लोगों को रोजी रोटी कमाने का भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि लोग अपने बच्चों को कब तक खिलाएंगे। आज देखिए कि सरकार ने अपने स्तर पर जो प्रयास किया, आपने एक सवाल करा था कि भाई सरकार के पास बहुत पैसा है, तो आपकी आपको पता ही होगा कि सरकार, केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को इतना पैसा दिया, 17,000 करोड़ में से 17 रुपए भी दिल्ली सरकार को नहीं दिए, जबकि देखा जाए तो तमाम जितनी राज्य सरकारें हैं 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया दिल्ली वासी टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देते हैं। तो इसमें क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि दिल्ली की जनता की ओर से जिनसे वो टैक्स वसूलते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सोचें। आप देखिए कि संसाधनों के साथ साथ सरकार को मदद भी करनी चाहिए, लेकिन हमने कोई हम गिड़गड़ा नहीं रहे, हमारी सरकार को उनसे हाथ नहीं फैला रही केंद्र सरकार का, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, हमें पता है एकजुटता के साथ में मिलजुल कर काम करने का समय है, तो हम केंद्र सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने क्योंकि रोहित जी ये कहा कि सरकार तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार है, तो अभी चुनौती एग्जैक्टली है क्या सरकार के सामने, जिसको एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सरकार मान रही है कि इससे पार पाना सरकार के सामने भी है, भरा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो हमारे लिए चुनौती है प्राथमिकताओं में सबसे चरणबद्ध तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आज हम लोगों के मतलब ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि कोई एक सिंगल आदमी भी भूखा नहीं सोना चाहिए, दिल्ली वासी जो भी दिल्ली में रहता है या दिल्ली में शरण देके दिल्ली में बाहर से आया हुआ कोई आदमी है जो दिल्ली को क्रॉस कर रहा है, वो भी भूखा नहीं सोना चाहिए, हमारी प्राथमिकताओं में एक है। आज दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में देखिए कि हर विधानसभा में 15-15 जगह 20-20 सेंट्रल स्कूलों में देखिए आप जाकर खाना, 2 समय का खाना, पौष्टिक खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लोग अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए खुशी खुशी आते हैं और लाइन में लगकर खाना लेकर जा रहे हैं। आज राशन कार्ड के जरिए लोगों को 5 किलो की जगह 7.5 किलो पिछले महीने दिया गया था प्रति व्यक्ति के हिसाब से, इस बार 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज दिया गया है। साथ ही साथ 72 लाख लोगों को जो इससे लाभान्वित हुए हैं जो राशन कार्ड धारी है, उसके अलावा जो 30 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन लोगों को भी सरकार ने अनाज दिया। तो अभी आपने एक सवाल किया था कि सरकार के पास बहुत पैसा है, सर लोगों से जो टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू से जो आया है, जो लोगों ने दिया है, उसका सदुपयोग बिल्कुल सरकार कर रही है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, इतना आप मुझे बताइए कहां मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि पैसे का जिक्र हो रहा है तो आप देखिए, अब ये तो हम समझ गए हैं कि मुश्किल की घड़ी कभी नहीं, एक बात मेरी पूरी करने दीजिए, उसके अलावा लोगों को पैसा देने का भी काम किया गया है। आज
जो हमारे विकलांग भाई बहन है या फिर हमारे विधवा हमारी भाई बहने हैं उनको 5-5 हजार रुपए की सहयोग राशि जो पेंशन के रूप में दी गई है सरकार की तरफ से, जो हमारे ऑटो वाले हैं या हमारे टैक्सी वाले हैं या हमारे ई रिक्शा वाले हैं और तमाम जो लोग हैं या मजदूर हैं उनको 5-5 हजार रुपए की राशि दी गई है। और जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने आंकड़ों का बाजीगिरी करके दिखाई है कि भाई 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का वादा किया गया है, तो क्या उसमें क्या है? जैसा सीएम साहब ने अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ये केवल इसमें ज्यादातर जो बात की गई है वो केवल और केवल कर्ज देने की बात की गई है कि एक साल तक हम बगैर कर्ज देंगे। कर्ज देना तो बहुत बात की बात है, अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि गरीब जनता की जेब में क्या आया। तो क्या सरकार उन पैसों का जो केंद्र की ओर से सहयोग जिन एमएसएमईज के लिए पैसों का बंटवारा हुआ है पैसे लोन देने के लिए, तो क्या सरकार फिर उस पैसे को नहीं लेगी, इस्तेमाल नहीं करेगी? देखिए 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 मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि दो तरह की जरूरतें होती है। एक आज हमारी प्राथमिकता है कि वर्तमान समय में जो चुनौती है कि एक गरीब की जेब जो खाली पड़ी है उसके जेब में कितने रुपया आ रहा है, उसके जेब में 10 रुपए आ रहे नहीं आ रहे। और दूसरी होती है दूरगामी योजनाएं होती है कि आज आने वाले समय में जो हमारे यहाँ पर जो लोग औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे लघु उद्योग है चाहे घरेलू उद्योग चलाने वाले लोग हैं या कोई मझले उद्योग जो चल रहे हैं उनको राहत देने का, वो आज दूरगामी चीजें हैं। आज वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती एक मजदूर जिसको शाम को रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, उसकी जेब में पैसा आएंगे नहीं आएंगे, वो जो इतने सारे अकाउंट जो खोले गए थे जो जनधन योजना के तहत उनके अंदर उनके 15 लाख तो छोड़ो, 15 लाख जो कामगार मजदूर यहाँ से पलायन करके चले जा चुके हैं, बहुत से ऐसे कामगार मजदूर हैं जो दिल्ली से पलायन करके जा चुके हैं और दिल्ली में ऐसे बहुत से मजदूर रहते हैं हजारों लाखों की तादाद में जो दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में रोजगार के अवसर पाने के लिए आते हैं, और ऐसे में सरकारों की ओर से क्योंकि वोट बैंक भी बन जाते हैं उनका पूरा ख्याल रखने का भी जिम्मा लिया जाता है सरकारों की ओर से। अब जबकि वो जा चुके हैं तो क्या आप ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली के विकास में उनकी अहम भूमिका फिर से वापस लौटेगी, क्योंकि जो तकलीफों के साथ वापस लौटते हैं उनका आना बहुत मुश्किल नजर आता है अब? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के हमारे जितने साथ हैं हमारे भाई बहन है दिल्ली को यहाँ तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर वो लोग यहाँ से जा रहे हैं तो एक चिंता का विषय है कि वो लोग आएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं या हमारे यहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं उनको और तेजी के साथ में आगे चलाया जाएगा। लेकिन अपना भी चुनौती की इतना बड़ा पलायन ऐतिहासिक पलायन जो आजादी के बाद इतने बड़े पलायन क्यों किया, मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए जल्दी से सर हमें स्थिति को समझना पड़ेगा। इसमें वो मजदूर भी है कि जिनका हमने पहले दिन से निवेदन करें, डे वन से माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम हमारे जितने भी विधायक साथी हैं तमाम हमारे जितने पार्षद हैं जितने हमारे कार्यकर्ता हम हाथ जोड़कर सबसे बोल रहे हैं, हम बॉर्डर तक पे जा के हमने लोगों से हाथ जोड़ के अपील की थी कि आप घर छोड़ के दिल्ली छोड़ के ना जाइए। लेकिन उनकी परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि उनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे वो फैक्ट्री बंद हो गई, तो वो क्या करेंगे? ठीक है रोहित जी, बहुत ही शुक्रिया आपका इस ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। देखिए यहां पर हम लगातार एक सकारात्मक बातचीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से ये सिलसिला आगे भी जारी है। ई कॉन्क्लेव में इसी तरह तमाम मेहमान तमाम दिग्गज जुड़ते रहेंगे और उनसे हम एक सकारात्मक चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।